नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय द इंट्रोड्यूसिंग द काशी फाउंडेशन। काशी फाउंडेशन इज एन एंडेवर बाय टू यंग माइंड्स ऑफ इंडिया टू डिलीवर द कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड ट्रेडिशनल हिस्ट्री ऑफ काशी, द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। द फाउंडेशन इंटेंड्स टू प्रोपोगेट द एसेंस ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी काशी वर्ल्ड वाइड। दो नेम आफ्टर द सिटी ऑफ बनारस, काशी फाउंडेशन लुक्स फॉरवर्ड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ फोक्स विद द डाइवर्स बैकग्राउंड इंटरनेशनली। The foundation is also researching on diverse manuscripts and records associated with the Kashi. Kashi Foundation is pleased to inform you that currently we are going to organize the Kashi Dialogue series, mediated through various social media platforms such as Facebook, YouTube, Twitter. अब मैं श्री अशोक श्रीवास्तव सर का परिचय करवाऊंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आप अभी डीडी न्यूज में बतौर सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट की तरह भूमिका में है। आपने कई बुकें भी लिखी, पुस्तकें भी लिखी हैं और आपके कई लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में प्रचारित हो गए हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री अशोक श्रीवास्तव सर को अनुग्रह करूंगा कि वह श्री शक्ति सिन्हा सर का परिचय करवाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। अशोक जी आपको बोलना है। नमस्ते अशोक सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, मुझे नहीं मालूम। शक्ति सर आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ आपको सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से। एक मिनट, मुझे लगता है क्योंकि शक्ति सर की भी आवाज मैं नहीं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सभी को प्रणाम। सर एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करके देखिए, शायद चीजें ठीक हो जाएं। उस तकनीकी दिक्कत आ रही है, साउंड की दिक्कत आ रही है ना, उनको सुनाई नहीं दे रहा, हम तो उनको सुन पा रहे हैं। जी जी तब तक आप श्रोता को बताइए काशी फाउंडेशन के बारे में हिंदी में भी, है ना? काशी फाउंडेशन एक युवाओं की एक विचार है जो 2013 में उसकी परिकल्पना की गई थी, और काशी फाउंडेशन एक गैर गैर सरकारी संगठन है जो कि 2015 में ही उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और अशोक सर आ गए हैं, मैं एक बार उन्हें ले लेता हूँ। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक, अशोक आपका माइक म्यूटेड है। हाँ आपको आवाज आ रही सर हमारी, मगर हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। सर आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही आपकी ना? ना सर आप नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सर एकदम। आपकी आवाज सर बिल्कुल तकनीकी कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं एक बार बात कर लेता हूं सर से। Sorry listeners, on behalf of everybody,
the organizers, we're all waiting. सर 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विलंब के लिए मैं सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं काशी फाउंडेशन की तरफ से। अभी मैं काशी फाउंडेशन के लिए चर्चा कर रहा था कि काशी फाउंडेशन बहुत युवाओं का एक साथियों का विचार है, और काशी क्योंकि एक सांस्कृतिक जो एक राजधानी है भारत की, उसका जो एक चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे काशी का जो एक ज्ञान परंपरा है, हम हर विषय को लेकर काम कर जो पांडुलिपियां हैं उन सभी विषयों पर हम अभी काम कर रहे हैं। और काशी फाउंडेशन बेसिकली अभी काशी संवाद श्रृंखला के से ही हम लोग आप सभी से संवाद कर पा रहे हैं, क्योंकि COVID-19 में जो भयानक स्थिति हुई है कि सभी को घर में बांध के रख दिया है, तो उसी के लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सभी दर्शकों से मुखातिब होते हैं। हमारा प्रतिदिन शायद ही कार्यक्रम हो रहा है, और अशोक सर शायद आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, और फिर एक बार काशी फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं, तकनीकी कुछ खामियां हैं। अशोक जी म्यूटेड है, सर माइक, हाँ माइक कुछ कर रहे हैं सर, अभी फोन आया था उनका, अभी बस सोने ही वाला है, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ध्रुविल जी कुछ मन में सवाल, आप अपना माइक ऑफ ऑन करें, आपको सवाल आप ही पूछ लीजिए, कुछ आपके मन में सवाल हो तो सर से आप चर्चा कर लीजिए। रिमेम्बरिंग अटल जी के बारे में, तो अगर आप पहले पितामह भीष्म कहा जाता है उसे राजनीतिक क्षेत्र में, तो और अजात शत्रु सुबह से इंडियन प्रॉमिस करके एक बुक थी वही पढ़ रहे थे, तो काफी सवाल आ रहे हैं, पहले शक्ति सर को सुन ले हम, फिर बाद में सवाल रखते हैं हमारा। अशोक जी को हम देख पा रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रही अशोक जी आपके। हाँ अशोक जी आपका माइक म्यूट, माइक म्यूट है अशोक, माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आप, माइक को अनम्यूट कर दीजिए, कम से कम वॉइस आ जाए। हाँ अब तो अनम्यूट है माइक, आप बोलिए। नहीं हाँ हेलो, हाँ आया ना, कितने आया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तकनीकी खराबी, कार्यक्रम हम लोग मुझे लगता है कि हमें शुरू करना चाहिए। शक्ति सर का मैं थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। शक्ति सर अभी DSSP जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्कूल है उसके अभी निदेशक हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी अध्ययन केंद्र, इंटरनेशनल अध्ययन केंद्र जो अहमदाबाद में है उसके भी निदेशक हैं सर, और सर पूर्व में त्रिमूर्ति भवन जो त्रिमूर्ति लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के भी सर निदेशक रहे हैं, और सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर जो अटल जी के स्मरण में हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम रखा है, और सर अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि सर काफी लंबे समय तक अटल जी के साथ रहे हैं और उनके प्रशासनिक
उनके व्यक्तिगत जो जीवन के अनुभवों को सर ने बहुत करीब से नजदीक से देखा है, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर अपनी बात रखें, क्योंकि तकनीकी कुछ खामियां आ रही हैं और दर्शक हमारे बहुत काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सर अपनी बात रखें आप। कहाँ से अटल जी का जीवन ऐसी है या उनका अनुभव देश सेवा इतना लंबा है कि आदमी कहाँ से शुरू करे ये समझ में नहीं आ रहा है। अशोक जी अगर लाइन पर आप आ जाए तो मुझे काइंडली इंटरप्ट करके प्लीज जॉइन द कॉन्वर्सेशन। तो मैं तो सोचता मैं शुरू करूँ, लोग कहते हैं अटल जी कवि थे कवि, मैं ऐसा नहीं कि लोग कहते थे, कवि थे भी वो, तो उनकी कविता में और उनके राजनीति में या उनके कविता से माध्यम से हम देखें या कविता में उनकी जो रुचि थी वो अगर देखें कि हम उनके उनके राजनीति से जोड़ सकते हैं कि नहीं, इस पर भी एक ऐसे विचार करने की आवश्यकता है। तो कहते थे अटल जी, उन्होंने लिखा है दो तीन लेख लिखी थी अपने जीवनी के बारे में एक दो किताब में, एक बार तो मेरे सामने बैठ कर उन्होंने लिखा था काफी लंबा 3-4 घंटे में। तो उनका कहना है कि कविता जो है उनको विरासत में मिली है, उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो कि ग्वालियर रियासत में काम करते थे शिक्षा विभाग में, वो कवि थे और उनकी एक कविता थी ईश्वर प्रार्थना जो कि रियासत के सभी स्कूलों में बकायदा रोज गाई जाती थी, लिखते थे, अच्छे कवि माने जाते थे, इनके बड़े भाई भी कविता लिखते थे और इनके पितामह इनके दादा खुद कवि तो नहीं थे पर संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य साहित्य की काफी रुचि रखते थे और काफी उनको छंदो कंठस्थ था। तो इसलिए बचपन से कवि सम्मेलन में जाना ये वो से उनके आकर्षित हुए, लिखने के प्रयास किए और धीरे धीरे बाल कवि के नाम पर जाने वाने लगे, लोगों को बुलाया जाता था, पुरस्कार मिले जन्माष्टमी में या इसमें। तो एक तो उनको किस तरह की कविता का उनको शौक था या किस तरह के साहित्य से उनको लगाव था, मेरे ख्याल से ये जाने में हमें मुझे कम से कम बहुत कुछ, तो मैंने सोचा ये आपसे भी शेयर कर लें। लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे देश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव वाली कविताएं बाल अवस्था से ही आकर्षित करती रही। बाल अवस्था में नहीं, बाल अवस्था से ही, यानी अंत तक वो। और ये जो मैं निबंध पढ़ रहा हूँ जिसमें कोटेशन लिया है, ये मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा था 97 यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का समय 97 में ये लिखा था, तब वो बात कर रहे हैं उस समय से करीब 60 साल पहले की बात, फिर भी अच्छी तरह से 60 से ज्यादा, फिर भी उनको अच्छी तरह से उसको तो कह रहे कि रही है। तुलसी का रामचरितमानस तो मेरी प्रेरणा का स्रोत रहा है, रामचरितमानस, क्योंकि जीवन की समृद्धता के जो वर्णन तुलसी ने किया है वैसा विश्व साहित्य में नहीं हुआ है। बहुत लोग वाल्मीकि रामायण के बारे में ऐसा कहते हैं बट वाजपेयी जी के लिए तुलसी का ये बहुत था। और वो बहुत ये बताते थे, बात मुझे भी याद है कि सोवियत यूनियन में, रूस में भी कम्युनिस्ट देश था। अशोक जी आ रहे हैं आप, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम आप मुझे सुन पा रहे नहीं, लेकिन मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं, एकदम सुन पा रहे हैं, तो मैं 2 मिनट लेके फिर आप आ जाइए, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो बहुत खुश होते थे कि सोवियत यूनियन जैसे देश में जहाँ भगवान को नहीं मानते हैं या जहाँ रिलीजन को खराब मानते हैं, वहां भी उन्होंने तुलसी का रामायण रामचरितमानस का अनुवाद किया था। फिर उन्हें कामायनी प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा और महादेवी के गीतों के बहुत पसंद था। फिर वो बात करते हैं कि कविता के अलावा उपन्यास में भी उन्हें कैसे आया, अब समझाते हैं कि उपन्यास में और कविता में क्या फर्क है। उपन्यास उनका कहना है कि जीवन का समग्र चित्र सामने आता है, तो देवपुर को उससे काफी प्रेम था। और प्रेमचंद को उन्होंने पढ़ा और कहा कि प्रेमचंद की लिखी हुई लेख या कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। अब ये बात करें और लेखन के 65-70 साल बाद की बात, कि जिस तरह से उन्होंने जीवन को समझाया, दिखाया, दर्शाया है वो इतने साल बाद भी। फिर जैनेन्द्र के उपन्यासों में पाठक को बांधने की अद्भुत क्षमता है, तो जैनेन्द्र से खुश हैं। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी की बात करते हैं, वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी, मृगनयनी हुआ, विराटक का पद्मिनी हुआ, कचनार हुआ, उसके बात करते हुआ। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं
और गोविंदा लाल वर्मा क्यों ज्यादा अच्छा लगता है, एक इतिहास, भारत के इतिहास, हमारी संस्कृति के बारे में, और साथ साथ आंचलिकता, क्योंकि मथुरा के रहने वाले थे तो भाषा वही थी, तो आंचलिकता से भी वो प्रेम करते हैं। और मतलब उनको बहुत पढ़ने का प्रेम है, क्या बताऊं, अब तो समय ही नहीं पाता है। और फिर बात करते हैं जगन्नाथ मिलिंद की नाटक, जगन्नाथ मिलिंद ग्वालियर में मुरार के रहने वाले थे और वो लिखते थे ड्रामा, अगेन ऐतिहासिक। तो आप देखेंगे इस तरीके से देश प्रेम की भावना, देश के बारे में जानना, एक गौरव रखना देश के बारे में, पर जो कमियां रह गई हैं, प्रेमचंद क्यों क्यों बात करें, जो कमियां रह गई उसको छिपाना नहीं, उसको भी समझना। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा व्यापक वर्ल्ड व्यू उनके सामने आ रहा है, दृष्टिकोण आ रहा है। और मेरे ख्याल से जब अटल जी को हम देखते हैं राजनेता, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं। मगर वो कहते हैं कि जब मैं इस वक्त समाप्त करता हूँ, मैं अशोक जी को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वो सवाल जवाब करें। वो कहते हैं कि मगर लोग कहते हैं कि आप अगर राजनेता ना बनते अच्छे कवि होते, अच्छे का तो पता नहीं, कवि जरूर होते। और कहते हैं कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं, कविता ही लिखूं या साहित्य में बहूं। बट फिर उनका बड़ा अच्छा ये लाइन है, मैं आपको कोट ही कर देता हूं, अपने क्यों बताऊं, पर राजनीति उस काली कमली की तरह है जिसको छोड़ने का इच्छा होते हुए भी वह कमली छूटती नहीं है। तो एक बार और कहते हैं कि वो सांप चुकंदर वाली है, न उगला जाता है न निकला जाता है न उगला जाता है। तो कविता और राजनीति के बारे में उनके दिमाग में हद में बात रहती थी कि देखो कहां से कहां आदमी आ गया है। अशोक जी, मैं तब तक फिलर का कर रहा था। नहीं नहीं प्लीज सर, आप फिलर नहीं है, फिलर की भूमिका मुझे निभानी है। आप हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं और मैं तकनीकी खामी की वजह से जो भी दिक्कत है उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। टेलीविजन स्टूडियो में तो बहुत बार चर्चा की है, लेकिन टेलीविजन स्टूडियो में फिर भी कहीं एक थोड़ा सा बंधन सा लगता है, समय का बंधन होता है, बाकी सारे बंधन होते हैं। लेकिन आज आपसे खुलकर चर्चा होगी, मैं अभी आपको सुन रहा था, बहुत खुलकर बोल भी रहे थे। हम जानते हैं कि आज अटल जी की स्मृति के लिए हम जुटे हुए हैं। मैं इससे पहले सर का परिचय शक्ति जी का मुझे नहीं मालूम, अगर हुआ भी है तब भी मैं बता दूं, शक्ति जी ने अटल जी के साथ कुछ वक्त बिताया, उनके साथ रहे, और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद नेहरू जो मेमोरियल लाइब्रेरी है, शक्ति जी उनके साथ जुड़े रहे, और अभी मानद डायरेक्टर निदेशक हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज MS यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, और साथ साथ ऑन मानद निदेशक हैं दिल्ली स्कूल ऑफ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस दिल्ली जी DU से जुड़ी हुई। इससे पहले कि मैं शक्ति जी से सवाल पूछूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा दो मिनट आपके लूंगा, क्योंकि मेरी कुछ स्मृतियां अटल जी के साथ जो है, बस उसकी छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। अटल जी के बारे में शक्ति जी तो बताएंगी, मुझे बस इतना है, गर्व होता है जब भी अटल जी की कभी बात होती है, मुझे इस बात का गर्व होता है कि मुझे पत्रकारिता का पहला पुरस्कार जो है, सम्मान जो है, वो अटल जी के हाथों मिला था, और वो भी कश्मीर की रिपोर्टिंग करने के लिए 1993 में। और उस वक्त मुझे याद है कि जब मुझे वो सम्मान मिल रहा था, हजरत बल में आतंकवादी उस वक्त घुसे थे, और मैं वहां पर गया था रिपोर्टिंग करने के लिए। जब वहां से वापस आया तो मुझे सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था, अटल जी उसमें आए, और मैं अटल जी को, मैं तो बहुत बिल्कुल युवा पत्रकार था, उनके सामने छोटा सा था, और अटल जी को मैं माला पहना रहा था, और अटल जी ने वो माला मेरे हाथ से ले ली और खींच करके वो माला मेरे गले में पहना दी। बोले आज आपका सम्मान हो रहा है, आज दूल्हे आप हो, दूल्हा मैं नहीं हूँ। तो मुझे लगा इतनी बड़ी शख्सियत जिस सादगी के साथ और जिस हसमुख तरीके से उन्होंने इस तरह से मेरा मान बढ़ाया, और अटल जी पांचजन्य के संपादक भी रहे, और मुझे उस पांचजन्य के लिए भी कुछ समय तक काम करने का मौका मिला, वो भी मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। लेकिन शक्ति जी, जब अटल जी के कई पहलुओं की बात होती है, हम जानते हैं कि आज भी उनका उनका स्मरण जब भी होता है, और उनका जो जन्मदिन है 25 तारीख को, तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और आज भी जब 15 अगस्त को मोदी जी जब अपना राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे, तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जिक्र करना नहीं भूले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थाती है जो अटल जी की हमारे पास है। लेकिन मैं शुरुआत शक्ति जी ऐसे करता हूँ कि आज के संदर्भ में, आज के मायने में अगर हम कहें, आज एक अलग तरह की चुनौतियां, अलग तरह की चीजें हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज हम अटल जी को जब याद करते हैं,
तो दरअसल उनको हम किस रूप में याद करें, क्योंकि उनके रूप बहुत सारे हैं, लेकिन आज आज के दौर में अगर अटल जी को कोई याद करना चाहे, खास करके युवा पीढ़ी, तो हम उनके सामने अटल जी का कौन सा पक्ष रखें? मैं ये जानता हूं कि उनके सब पक्ष बड़े ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, उनका कवि का पक्ष जो है उनके राजनेता पे भारी पड़ सकता है, उनके राजनेता का पक्ष जो है विपक्ष को भी साथ लेकर के, और विपक्ष में उनकी जो भूमिका थी वो उनके प्रधानमंत्री काल को उनके पक्ष में भी भारी पड़ सकती है, लेकिन आज के संदर्भ में कैसे उनको युवा पीढ़ी याद कर सकती है? मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की है अशोक जी, एकदम सही। क्योंकि अगर मैं आज याद करना चाहूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर उनको हम याद कर, सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्होंने भारत को एक आत्मविश्वास दिया। अच्छा, लोग अब हम भूल गए हैं, नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं है क्या हाल था भारत का 70 के दशक में, 80 के दशक में। हर साल हमें वर्ल्ड बैंक, IMF, बाकी डोनर्स के पास जाना पड़ता था, लिटरली भीख मांगना पड़ता था पैसे के लिए, सामान कुछ मिलती नहीं थी, मैंने घड़ी तक आदमी खरीद नहीं सकता था बिना वेटिंग पीरियड के, स्कूटर का वेटिंग पीरियड 16-17 साल था, वगैरह वगैरह। फिर 90 के दशक में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राजू के नेतृत्व में भारत बदला, आर्थिक बदलाव आया और बहुत तेजी से बदलाव आया, मगर साथ साथ उस समय कश्मीर में झंझट शुरू हो गई थी, आतंकवाद बहुत तेजी पर था और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व बदल रहा था, भारत निर्भरता सोवियत यूनियन पर, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, हमारे पास दुनिया में कोई दोस्त नहीं थे, इतना तक कि अमेरिका ने कहा कि कश्मीर जो आपके पास आया है उसकी अधिकता क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है, उसके एक्सेशन पर उन्होंने पहली बार बात रखी थी नरसिम्हा राव जी के राज में। नरसिम्हा राव जी बहुत होशियार थे, अटल जी को भेजे, फिर भारत में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत को कटघरा में खड़ा किया गया। अब बताइए, भारत को पाकिस्तान और चीन खड़ा कर रहा है ह्यूमन राइट्स के कटघरे में, अब ये आयरनी देखिए इसकी। तो नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को कहा था कि आप भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे, उनके मंत्री गुलाम नबी आजाद जाएंगे उपनेता, मगर नेता रहेंगे अटल जी जो कि विपक्ष के नेता थे। बहुत बहुत होशियारी की चीज थी नरसिम्हा राव जी के दोनों साथ के, उससे थोड़ा बदलाव आया, मगर जब तक प्रधानमंत्री बने अटल जी 98 में, भारत के आर्थिक थोड़ा डगमाडोल था, विदेशी दबाव थी, उन्होंने जो पोखरण में जो टेस्ट किया तो एक तो दुनिया को दिखाया कि हाँ भारत ये पहले भी कर सकता था, अब किया है, इसलिए किया है कि भारत जिस एनवायरमेंट में है, जिस वातावरण में रह रहा है, जिस नेबरहुड में रह रहा है, चीन के पास एटमिक वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास तैयारी है, चीन हमारे जमीन के अनाधिकृत कब्जा किए हुए 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत ज्यादा का किए हुए है, तो हमारा सिचुएशन अलग है, दुनिया मानी नहीं हमारी बात, फिर भी बहुत तंग की भारत को 98 में 99 में जब पाकिस्तान हम पर युद्ध करता है कारगिल में, और जब भारत अपना दिखाता है, अटल जी का नेतृत्व आता है, तब लोग को लगता है कि नहीं, भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट रहे, भारत और नॉर्थ कोरिया और फलाना और ईरान और पाकिस्तान जैसा नहीं है, लिबिया जैसा नहीं है। तो वो जो भारत के इमेज 2-3 साल में बदला है, तो जो हम विदेश जाने लगे तो देखने लगे कि पहले कहता है भारतीय सबके जैसा है, 2-3 साल में आप भारतीय की तरह अगर बाहर जाते थे तो गर्व के साथ जाते थे, लोग आपको इज्जत देते थे, आप क्या भारत से आए, भारत अच्छा देश, आगे बढ़ रहा है, समृद्ध तो आज भी नहीं है बट कम से कम विकसित रास्ते पर चल रहा है। तो उससे जो भारत को कॉन्फिडेंस मिला, भारतीय नौजवानों को जो कॉन्फिडेंस मिला है, और भारत सामाजिक समाज को मिला दुनिया में, तो इसलिए मैं समझता हूँ, साथ साथ उन्होंने आर्थिक कदम बहुत उठाए, तो दोनों अगर मिल के लेंगे तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिया का जो आता है, Y2K आता है, भारत अच्छा काम करता है, आपने बात की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, वो साथ शुरू हो जाता है, तो सबको लगता है कि नाउ फाइनली ये देश सही मोड़ पर सही दिशा में जा रहा है और बार बार जैसे फंस नहीं रहा है। तो इससे मेरे ख्याल से मैं उस तरह से याद करूंगा अटल जी को, बहुत चीज का उन्होंने पर खास करके हमें आत्मविश्वास दिलाया कि अब भारत का समय आ गया है। मैं यहीं से एक का सवाल उठाता हूं शक्ति सर की, आपने कहा भारत को एक नया आत्मविश्वास मिला, सवाल यह है कि ये भारत को आत्मविश्वास देने वाले अटल जी में ये जो आत्मविश्वास था कि उनको ह्यूमन राइट के विषय पे भेजा गया, वहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर वो सबसे पहले जब विदेश मंत्री हुए उन्होंने UN में जाके जिस तरह से हिंदी का डंका बजाया,
जिस तरह के परिवेश में, जिस तरह के माहौल में वो पले थे, जहां पैदा हुए थे एक छोटे से परिवार में, उसके बाद उनकी जिस तरह की शिक्षा दीक्षा हुई थी, बड़े मामूली सी परिवार में पैदा हुए, और विपक्ष के नेता थे। विपक्ष जो उस वक्त मतलब नाम का विपक्ष था, मतलब सिर्फ आप चुनाव लड़ते थे, हारने के लिए लड़ते थे। तो सवाल है कि ऐसे में भारत को आत्मविश्वास देने वाले व्यक्ति में अटल जी में, ये जो उनके अंदर आत्मविश्वास था, ये कहाँ से आया? देखिए, जैसे मैंने उनको बताया, उनके जो भी कविता में, साहित्य में प्रेरणा स्रोत लोग हैं जिससे वो आकर्षित हुए, आप देखेंगे बड़े वाइड वैरायटी के हैं। कोई एक अकेले विचार, अगर एक विचारधारा थी भारत के कल्चरल ग्रेटनेस पर उनको बहुत था, वर्ड हिंदू से बहुत जुड़े हुए थे। उनका कहना था हिंदू रिलीजन वर्ड नहीं है, रिलीजन वर्ड बाहर का शब्द है, भारत में ऐसे कोई शब्द नहीं है रिलीजन के नाम पर। आपके उपासना पद्धति, आपके मत अपने रहें, उसको हम इज्जत देंगे, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मगर एक उनको शुरू से था कि भारत में एक पोटेंशियल है, और भारत ऐसा क्या कहा जाए सिविलाइजेशन है जिसको उभर के आना ही है, और क्योंकि इसे बांधा गया है, उन बंधनों को हमें काटना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने इतिहास को नहीं काट रहे, पर इतिहास के वो अंश ले रहे हैं जिससे हमें फायदा होगा, और दुनिया से हम खुल के बात करेंगे तभी जाके। शुरू से उनके भाषण में आप देखेगा, 57 की बात है, दिसंबर में मेरे ख्याल से उन्होंने पार्लियामेंट में लोकसभा में पहली बार भाषण दिया, फॉरेन पॉलिसी पर दिया। नरेंद्र जी के काफी उन्होंने की, काफी आलोचना की, तारीफ बहुत इज्जत है, अच्छी बात, बड़ा बड़ा संतुलन के साथ उन्होंने कहा। तो उनका जो भारत के प्रति जो भावना थी, वो कोई पार्टी विशेष या उपासना पद्धति विशेष या मन विशेष थे, उसके आगे था, उसके ऊपर था। तो वो जो कामना, अब जैसे वो कविता लिखते हैं 15 अगस्त की बात 47 में, जो बोले कि हम खुश भी हैं दुख भी हैं, तो बात करें गिलगित से गाढ़ो पहाड़ तक, तो भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, हमारे जैसे पूरे भारत की कल्पना कर रहे हैं। पख्तूनों की बात करें, पख्तूनों के हमने छोड़ दिया, उनको हमने विश्वासघात किया, तो भारत के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो बहुत 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 स्ट्रांग थी। और मेरे ख्याल से इसलिए उन्हें ये था, उन्हें खुद आत्मविश्वास था, एक तो खुद की ये समाज, ये संस्कृति आगे की ओर बढ़ेगी, तो मैं कहता उससे बहुत फर्क पड़ा। और जो विश्वास था उन्होंने भारत में, कि भारत में है, बोलते देखो भारत का नहीं, बाहर जाते इतना अच्छा कर लेता है, जहां देखो भारतीय मिल जाता है, तो था कि भारत आगे बढ़ सकता है। अगर जो अपने, इसलिए वो इकोनॉमिक्स में बहुत दूरदर्शी थे, कि जो छोटी छोटी बाधाएं हम बांधते रहते हैं हर जगह निवेश के लिए या कोई काम करने के लिए, उसको हटाना है, उसको काटना है, तब भी भारत आगे बढ़ेगा, तो विश्वास था उन्हें। शक्ति सर, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत थोड़ा सा निजी सवाल आपसे, क्योंकि मैंने जैसे आप एक छोटी सा अपना निजी घटना बताई कि कैसे अटल जी ने मेरे जैसे एक युवा पत्रकार की कैसे पीठ थपथपाई। तो आप जब सबसे पहले अटल जी से मिले थे, उनसे मिलने से पहले उनके बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, आपकी पहली मुलाकात जो अटल जी से थी, और सबसे यादगार पल जो हैं आपके निजी जो पल हैं अटल जी के साथ, या अटल जी की कोई ऐसी बात जिसने आपको एकदम से जो है मेस्मराइज कर दिया हो, एक ऐसी बात जो बिल्कुल आप कभी भूल नहीं सकते, वो आप हम सबको बताएं। एक तो सार्वजनिक मुलाकात मैं कहता हूँ, 1970 की बात है, दिसंबर का महीना था, मेरी उम्र 14 साल थी, 14.5 साल। इंदिरा गांधी ने मिड टर्म पोल्स कराया था, आम चुनाव हो रही थी, तो रांची में हम रहने वाले थे, तो रांची शहर में इलेक्शन के लिए, निर्वाचन के लिए एक महागठबंधन बना था, भारतीय जनसंघ जिसके वो अंग थे, कांग्रेस ओ, समाजवादी SSP, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, ये चार मेन विपक्षी पार्टी मिलकर महागठबंधन बनाए थे। गठबंधन का एक ही मुद्दे पर आए थे, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी गरीबी हटाओ, और ये लड़ रहे थे इलेक्शन इंदिरा हटाओ पर। और वो गठबंधन में इतना बढ़िया समन्वय था कि रांची में चारों पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, क्या गठबंधन था ये। खैर, अटल जी को हम सुनने पहुंचे, वहां कचहरी मैदान था और जाड़क था, हल्का से बारिश शुरू हो गई, तो अटल जी ने बड़े हंस के बोला कि देखिए हम आए थे, इंद्र भगवान भी है ना। तो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा कि देखो, मतलब ये नॉर्मल पॉलिटिशियन जैसा नहीं भाषण दे रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो तो सार्वजनिक बात हो गई। 10 साल बाद मेरे विवाह के बाद, क्योंकि पारिवारिक संबंध था तो आना जाना हो गया,
तब मैंने देखा कि एकदम दो पहलू वही एक ही व्यक्ति का, एक पब्लिक में एकदम आउट गोइंग, जो कहने शब्दों का गंगा, शब्दों की गंगा बह रही है, और वहां एकदम शांत कम बोलने वाला शाई रिटायरिंग पर्सन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मगर आगे को एक वारदात में याद करूं ये तो बहुत मुश्किल है बताना, बट मेरे ख्याल से वो पोखरण मई 11, 98 की बात है, जब सब कुछ हो गया, 4:45 रिपोर्ट आ गई कि सब कुछ अच्छा हो गया, फिर प्रेस बुलाया गया, हम लोगों ने 3 लाइन का वक्त है लिखा, केवल 3 लाइन का लिखा क्या जैसे ऐसे हुआ है, उनके चेहरे पर जो क्या कहें चमक थी, जो संतुष्टि, मगर साथ साथ गंभीर, वे बड़ा दो कॉन्ट्रिक्टिव चीज है, गंभीर भी थे उसमें बहुत, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग कूद रहे थे, अटल जी न हंस रहे थे न कूद रहे थे, हाँ प्रसन्न, बहुत प्रसन्न थे, पर साथ साथ गंभीर भी थे, और अब लगता है इसलिए गंभीर थे कि देखो हमने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया है, क्या ये उत्तरदायित्व हम संभाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स पावर बनना कोई छोटी बात नहीं है, हम कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि कहीं यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ा संभला हुआ देश है ये, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो मौका आज मैं देखता हूँ उससे 22 साल बाद, मई 11 की बात है जो मेरा जन्मदिन भी है, तो मेरे जन्मदिन के बाद ये विस्फोट हुआ, तो वो जो मुझे आज चेहरा वो याद है, शाम को 5 नंबर में, 3 नंबर में वो रहते थे, 7 नंबर दफ्तर था, 5 नंबर गेस्ट हाउस जैसा था, उस दिन का कंट्रोल रूम था, वही हम सब बैठे थे, मेरे ख्याल से वो जो मेरे चेहरा में याद है अभी भी, कि कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग इतने खुशी हुए, एक जगह पीट पटका रहे हैं, पर उनके चेहरे पर एकदम शांत प्रसन्न और गंभीर, अब अगर आदमी प्रसन्न और गंभीर साथ हो सकता है, तो मैं कन्वे करना चाह रहा किस तरह का वो काउंटेनेंस था चेहरे पर, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जो पोखरण पूरा हुआ, दो चीजें उनके जो प्रधानमंत्री काल की जो दो चीजें जिसकी अक्सर चर्चा होती है, अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए जो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, उसके अलावा एक पोखरण एक कारगिल। कारगिल से पहले जिस तरह से वो लाहौर बस के लेकर गए, और एक भारत ने एक इतनी बड़ी पहल की थी, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग इसको कह रहे थे कि मतलब उस समय बड़े बड़ी शख्सियत जो उस बस में बैठ के गई थी, वो जो पूरा प्रकरण था, उसके बाद उनको जो सदमा मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया और पाकिस्तान ने किस तरह से खंजर घोपा, और उसके बाद करगिल का हमारे सामने मामला आया। पर उससे पहले, करगिल पे बात, उससे पहले मैं चाहूंगा, ये जो पोखरण पाला फूला हुआ था, आपको लगता है उन्होंने कैलकुलेट करके ये सारा कदम उठाया था? क्योंकि आज तो हम कह सकते हैं कि हम उसके अच्छे नतीजे देख रहे हैं, आज तो हम कह सकते हैं कि उससे भारत जो ताकत बना, भारत किस तरह से उस चैलेंजेस से, क्योंकि शायद कोई और देश होता, कोई और ताकत होती, तो शायद वो बिल्कुल सरेंडर कर जाती, जितना दबाव, इंटरनेशनल दबाव आया था, और जिस तरह से इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई थी, तो आपको लगता है वो सब कैलकुलेट करके, और उनको पता था कि हम यहां से विजयी होकर निकलेंगे? जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास तो था कि भारत निकलेगा, दूसरा आवश्यकता भी था, उन्हें लगा कि भारत में अगर ये रहेगा न्यूक्लियर वेपन्स, तो हमारे इस रीजन में दक्षिण एशिया में खासतौर चीन के साथ रिश्ता बढ़िया ही बनेगा, क्योंकि फिर दूसरी पार्टी लड़ाई झगड़े पर नहीं उतरेगी। अब शायद ये आशा उनकी गलत हो गई, ये दूसरी बात है, बट मेरे ख्याल से उस पर था कि इससे देश को, मैंने हमारे इलाके में, हमारे रीजन में, भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, अब कम से कम हम शांति की तरफ बढ़ पाएंगे, कि सबको लगेगा लड़ाई का नतीजा जो है इतना बड़ा रहेगा, इतना गंभीर रहेगा, इतना हानिकारक होगा, कि कोई भी नेता कदम लेने से पहले सोचेगा और वापस आ जाएगा। मगर क्या उसके जो सब पहलू है वो सोच पाए थे, उस पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोखरण के अगले 9 महीना 10 महीना तक दुनिया में जिस तरह हम बदनाम हुए, जिस तरह की भाषा हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई, जिस तरह के कदम भारत के, अब हम भूल गए हैं, जिस तरह के कदम भारत के खिलाफ उठाए गए, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है, भारत को देता था साल में $6 मिलियन, चलिए हंसना नहीं चाहिए, चलिए $6 मिलियन है, बट उस समय भी भारत की GDP थी करीब 500 या 600 बिलियन डॉलर, तो 5-6 मिलियन ऐसी खास बात नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया हमको तो गाली दिया, बहुत अशब्द का इस्तेमाल किया, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, टीवी पर नहीं बोल पा रहा हूँ,
जिस तरह उनके स्पोक्स में भाषा इस्तेमाल किया है, आप सोच सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को कह रहा है कि हम उनको 6 मिलियन देते थे, आपको हम 12 दे देते, हम विस्फोट ना करो। अच्छा हमें, मुझे हंसी आ रही थी, कौन कौन मूर्ख देश आप हैं, पाकिस्तान विस्फोट छोड़ रहा है अगर ना करेगा आपके 12 बिलियन डॉलर को लेके। अमेरिका मैंने मई में विस्फोट होता है, सैंक्शन लग जाती है तुरंत, अगस्त के महीने में भारतीय साइंटिस्ट 30-40 वहां गए हुए थे, अगस्त के महीने उनको निकाल बाहर कर देता है, अगस्त के महीने। हमारे चिदंबरम साहब अच्छे साइंटिस्ट थे, एटमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जरूर थे, तो देयरफॉर ही वाज अ की प्लेयर इन द होल प्रोसेस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। वो इंटरनेशनल जो बॉडी ऑफ क्रिस्टलोग्राफर्स है, जो क्रिस्टल के स्टडी करते हैं उसके थ्रू लाइट का मूवमेंट, उसके वो अध्यक्ष थे, उसकी मीटिंग अमेरिका में थी। तो उन्होंने अगस्त में वीजा के लिए अप्लाई किया, वीजा रिजेक्ट हो गया, चलिए वीजा रिजेक्ट हो गया, बदनामी भारत के हो गए। उसके बाद अमेरिका ने उतना नहीं किया, जो कहते हैं घाव पर तेल और नमक, सब स्पष्टीकरण दी कि फलाना सेक्शन के अंडर हम रिजेक्ट कर रहे हैं। वो सेक्शन क्या था? जो अमेरिका में आके अमेरिकन सीक्रेट चोरी करेगा या अमेरिका को हानि पहुंचाएगा। अब बताइए, अब रिजेक्ट करें एक बात है, अब कहना कि डॉक्टर चिदानंद जाके अमेरिका का हानि करेंगे या कुछ चोरी करेंगे, तो ये मैंने बदनाम से भी बदनाम हमारी तो स्थिति थी। मगर क्योंकि दिमाग में था कि एक ने एक दिन दुनिया समझेगी हम लोग ने क्यों किया है, हम समझाएंगे, तो लगे रहे। फ्रांस से शुरू हुई बातचीत, धीरे धीरे अमेरिका ने खुद बातचीत शुरू की, रशिया से बात हुई, इंग्लैंड से बात हुई, जापान नाराज था, उनका नाराज हम सब मानते थे कि सही नाराज, बिकॉज जापान जो नागासाकी हिरोशिमा देखा है वो अगर अपसेट है तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा। फिर भी एक डेलीगेशन वहां भी गया समझाने के लिए कि देखिए आप बुरा मत मानिए, हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये लगते रहा, साल भर निकल गया, इसलिए लाहौर जाना बहुत आवश्यक हो गया अगेन दिखाने के लिए कि देखिए हम शांति के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लाहौर जाना बहुत बड़ा रिस्क था, तैयार हैं, और कारगिल में हम अपने व्यवहार सीख गया, तब जाके दुनिया का नजरिया हमारे और बदला, 1.25 साल लग गया। तो इसलिए उस दौरान भारत में पॉलिटिक्स में, राजनीति में, पार्टीज के बीच में जिस तरह का गंदा माहौल था, साथ साथ दोनों चलाना मेरे ख्याल से वो तो सुपर ह्यूमन एफर्ट था। क्या कह सकते हैं कि वो आज के संदर्भ में, मतलब हमको आज हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हमको लगता है कि अटल जी ने भारत को आत्मविश्वास दिया, वो सब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत जोखिम उठाने वाले प्रधानमंत्री थे और जोखिम उठाने से डरते नहीं थे, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि जो जोखिम उठाना है वो साहसी है, हालांकि वो जोखिम जो है उनके कैलकुलेटेड जोखिम उठाते थे। अगर हम देखें, अभी आपने पोखरण का बात किया, लेकिन अगर हम उनका देखें पाकिस्तान लाहौर बस ले जाना, और उसके बाद करगिल वॉर, और उसके बाद जो है आगरा में वो मुशर्रफ के साथ बैठते हैं, और एक खाका मुशर्रफ के साथ कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस मुशर्रफ के साथ जिसने भारत को इतनी बड़ी चोट दी थी करगिल के रूप में, इतना बड़ा धोखा किया था, खुद पाकिस्तान में किया था, भारत के साथ किया था। तो क्या ये कह सकते हैं कि जोखिम उठाने वाले और पीछे पलट कर ना देखने वाले, कि जो हुआ अब आगे की भविष्य हम देखे, आगे के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या इस तरह के थे वो? एकदम सही, आपने एकदम सही पॉइंट आपने पकड़ा है, क्योंकि वो हरदम कहते थे कि परिस्थिति समझनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम चेहरा ना देखें, परिस्थिति भी साथ साथ देखें ना, अब कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर हम समझ जाएं, हम उनसे सहमत नहीं हो रहे हैं, मगर वो परिस्थिति अगर समझेंगे तो उनसे हम डील कर पाएंगे। कहने का अपने आप को अब विवाद से एक कदम अलग हटा लेंगे तो आप ऐसा कदम ले सकते हैं, तो आप लोग को बुला सकते हैं, तो मुशर्रफ जैसे व्यक्ति को, जो कि 99 में करगिल युद्ध का अगर एकमात्र को जिम्मेदार, तो मुशर्रफ है। लाहौर के साथ जो मोमेंटम बन गया था, उस टायर का पंचर करने वाला मुशर्रफ, और 2 न्यूक्लियर आर्म्स वेपन्स देश को लड़ाई लड़वाना, बताइए ऐसी बेवकूफी का काम और कोई नहीं कर सकता है। जो कहते हैं टेक्टिकली बड़ा अच्छा ऑपरेशन था, बट स्ट्रेटेजिकली कूटनीतिक दृष्टि से देखें बहुत ही बेवकूफ की चीज थी। तो वो जोखिम तैयार थे, क्योंकि अगेन जैसे उनका भरोसा था कि हमें और विकल्प क्या है, अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत अपना दोस्त तो बदल सकता है, अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकता है ना,
पाकिस्तान पड़ोसी रहेगा, नेपाल पड़ोसी रहेगा, चीन पड़ोसी रहेगा ही। अगर हम पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं तो हमारे जो उनके साथ जो संबंध है क्या उसमें हम बदलाव ला सकते हैं? संबंध दोस्ती का ना भी हो तो कम से कम लड़ाई करना हो। तो बड़ा ग्रेडेड अप्रोच, इट इज नॉट दैट ऑन ऑफ, हाँ ना, ऐसा नहीं। बीच में जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसको भी, तो विकल्प को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसमें क्या संभव है उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए। और जहां आवश्यक हो वहां रिस्क लीजिए, ऐसा नहीं कि पांचवें मंजिल से कूद के नीचे रिस्क लेने के लिए, वो रिस्क नहीं, वो तो बेवकूफी हुई। तो इसलिए वो बड़ा ग्रेजुएटेड वे में, कैलकुलेटेड वे में, इसलिए मैं समझता हूँ कि उससे सीखने की आवश्यकता जरूर है। शक्ति जी, अभी आपने कहा, जो जिक्र किया अटल जी ने कहा था हम पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, मैं अगर इसको आज के संदर्भ में कहूँ कि क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, उन्हें कहा कि पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जिसके साथ हमारी सीमाएं लगती है, बल्कि पड़ोसी वो है जिसके साथ हमारे दिल मिलते हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि वो जो नरेंद्र मोदी हैं, जो अटल जी को अपना वास्तविक गुरु मानते हैं और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो अटल जी की बात को एक कदम आगे ले जाकर कह रहे हैं, तो आप इसको कैसे व्याख्या करेंगे? देखिए, एक तो परिस्थिति एकदम फर्क हो गई है। 1999 2002 का भारत $600 बिलियन GDP, आज $2.5 trillion है, दुनिया का पांचवें सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत बड़ी है, जो भी अभी तकलीफ हो बहुत बड़ी है। हमारे जो इंटरेस्ट है बदली है, बदलेगा ही, जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा पड़ोस बढ़ते जाएगा। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे लिए सऊदी अरेबिया बहुत दूर था, अब धीरे धीरे भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत की जो रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं हमारी हैं, हमारा तेल कहीं से आ रहा है, हमारे लोग कहीं जा रहे हैं, हमारे आयात हो रहा है, हमारा निर्यात हो रहा है, ये सब बदलाव आ गया है। इसलिए भारत के लिए सिंगापुर हो या कुवैत हो या सऊदी अरब हो, दुबई हो, अब कहना कि हमसे दूर हैं गलत होगा। हमारे पड़ोस, अब हमारा वाइडर नेबरहुड जो कहेंगे वो हो ही गया है, उस समय नहीं था, उस समय हम इन्हीं से झेलना था, अब इनसे हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और दुनिया में बदलाव आ गया, दुनिया में भी एक अपेक्षा है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह काम करे, इस पूरे एरिया में अमन शांति बरकरार रखने में भारत का एक रोल रहेगा, लोग चाहते हैं कि भारत का रोल रहे, बहुत लोग इसलिए भी चाहते हैं कि दक्षिण साउथ चाइना सी में भी भारत जरा अपने आप को दिखाए, क्योंकि एक अपेक्षाएं बदल गई है भारत से और दुनिया में बदलाव आ गया। वर्ल्ड ऑर्डर उस समय था 91 तक तो कोल्ड वॉर माना जाता था, बाइपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था, सोवियत खत्म हो गया, केवल अमेरिका बचा। तो 51 से 2008 2010 तक यूनिपोलर वर्ल्ड कहते थे, जहां एक ही अमेरिका सिंगल हेजमोन है। फिर अमेरिका धीरे धीरे घटते गया, आपस में अंतर में भी उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इतनी बदलाव आ गई, इतना झंझट आ गया। और अब हो गया है कि जिस तरह से चीन सब आक्रमण के मूड में है, आक्रमण का मतलब ना केवल फौज का आक्रमण, आर्थिक आक्रमण हो, दबाव हो, जिस तरह वो फिलीपींस पर दबाव डाल रहा है, हांगकांग में जो कर रहा है, ताइवान को धमकी दे रहा है, उस भारत तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। अब ताजिकिस्तान का कह रहा है कि हिस्सा हमारा हिस्सा, ताजिकिस्तान से उनकी लड़ाई है, कुछ नहीं है, उनका हिस्सा मांग रहा है, भूटान के अंदर एक नेशनल पार्क बोलते हैं ये हमारा हिस्सा है। तो ये जो चीन का आक्रमण हो रहा है, तो अब दुनिया बदल रही है, अब भारत समझ है कि हम अपने किनारे में चुपचाप बैठे हुए हैं वो संभव अब नहीं होगा, भारत को चुप रहने की अब स्थिति नहीं रहेगी, भारत को उठना ही पड़ेगा। और अपने दोस्तों के साथ, दोस्त हमारे बदल गए, वही बताया 98 में जापान आपसे आपका चेहरा नहीं देखना चाहता था, आज जापान पूरे इलाके में आपके सबसे अच्छा मित्र है, ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ रहा है, अमेरिका है ही है। तो अब धीरे धीरे दुनिया जो बदल रही है उसमें भारत का रोल, भारत की जैसे अपेक्षाएं जो है वो बदल गई है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो आइडिया ऑफ नेबरहुड है, पहले बांग्लादेश और नेपाल और भूटान और सिक्किम था, तिब्बत था, अब धीरे धीरे बढ़ गया, ये देखिए नहीं रही, ये तो है ही है, बट केवल हम इनको नहीं सोच सकते, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमको सोचना पड़ता है, अगर सऊदी अरब में कुछ हो रहा है, ईरान में गड़बड़ हो रहा है, उस पर असर पड़ेगा, अगर दोनों में झंझट होगा तो तेल का दाम बढ़ जाएगा, एक दाम पड़ेगा नुकसान किसको होगा, हमें होगा। तो अब धीरे धीरे हमारा इन्वॉल्वमेंट दुनिया से जो है बढ़ गया है, तो इसलिए परिस्थिति बदल गई है।
अटल जी यहाँ तक पहुंचे थे, दुनिया बदल गई, अब मोदी जी ले जा रहे हैं आगे। अटल जी की अगर एक क्वालिटी है जो जो हम सबको लगता है कि शायद सीखनी भी चाहिए हर व्यक्ति को, और जो उनमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पक्ष था उनका, कि वो गंभीर से गंभीर विषयों पर गंभीर से गंभीर माहौल को पहले हल्का फुल्का बनाते थे और हल्के फुल्के माहौल में गंभीर से गंभीर बड़े से बड़े काम कर जाते थे। तो ये उनकी एक बड़ी एक वो चीज़, मैं इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है। मुझे 2003 में उनके साथ उनका जो पाकिस्तान का दौरा था, उस वक्त पाकिस्तान वो गए थे सार्क की बैठक में, मुझे उस वक्त का इतना याद है कि 2000 उनके जब तक उनकी बैठक नहीं हुई थी अटल जी की, अटल जी वहां पहुंचे नहीं थे, मैंने एक बात नोट की, क्योंकि मैं अटल जी के आने से पहले हमारा वो एक एडवांस टीम के नाते पहुंच गया था। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे याद है बड़ा वोलेटाइल सा माहौल था वहां पर, सड़क पर भी भारत को लेकर मतलब एक अजीब सी वहां पर एक मुझे लग रहा था कि एक अजीब सी गुस्सा, अजीब सी नफरत सी मुझे दिख रही थी। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे अटल जी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया सब लोगों से, सड़क पर माहौल जो है एकदम से बदला हुआ था। मतलब लोगों को लग रहा था कि ये अटल जी आए हैं और अटल जी भारत पाकिस्तान के बीच जो है एक ऐसी सेतु, ऐसी कड़ी बन सकते हैं कि जो नफरत को हटा सकते हैं। मुझे उस दिन उनका नेतृत्व जो बड़ा करिश्माई सा लगा। आपने ऐसी क्या क्या चीजें महसूस करी, क्या क्या चीजें थी जो आप सर देख पाए ये सब? खैर 2003 में नहीं था, बट मैं ये समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जो वो लाहौर गए थे ना, उससे पाकिस्तान में लोग को बहुत असर पड़ा कि देखो ये आदमी हमारे यहाँ आया, लाहौर आया, मीनार पाकिस्तान गया, मीनार पाकिस्तान में कहा कि आपको पाकिस्तान को रहने के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए आपको भारत का मोहर नहीं चाहिए, आप हैं, व्हाई डू यू वांट इंडिया सील, आप हैं, हम मान रहे हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद करगिल हो गया, तब भी पाकिस्तान में लोगों को लगा कि देखो ये आदमी इतना रिस्क लेके हमारे यहाँ आया, फिर भी ऐसा हुआ है। फिर कश्मीर पर उन्होंने आगे बढ़े, कहा कि कश्मीरियत के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, मानवता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, करुणा के आधार पर आगे बढ़ेंगे, प्रेम के आधार पर बढ़ेंगे। तो उससे भी काफी फर्क पड़ा कि जो माहौल बनी कि अगर कोई सुलझा सकता है तो अटल जी होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में खास तौर पर और घाटी में भी एक बहुत बड़ी लोक आशाएं थी उन पर, और बहुत भरोसा था कि हाँ इनके आने से फर्क पड़ने वाला है। तो जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद के माहौल जो था, मैं एकदम समझ पा रहा हूँ कि यही, और गंभीर से गंभीर स्थिति में भी वो नियंत्रण में रहते थे, क्योंकि उनका माइंड बहुत ही अनुशासित था, मानसिक अनुशासितता सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए थे ना। सर मुझे एक चीज लगती है बहुत, मैं शिद्दत से इस बात को महसूस करता हूँ, मैं इस पर ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे निजी तौर पर लगता है कि अगर अटल जी को एक टर्म और मिला होता प्रधानमंत्री के तौर पर, और बल्कि मैं साथ में ये भी मानता हूँ, क्योंकि जो ये टर्म था उसके बाद अटल जी थोड़ा सा उनके उनके ऊपर उम्र का असर हो गया था। मुझे लगता है अटल जी ने जो टर्म प्रधानमंत्री का किया उससे अगर 5 साल पहले भी वो प्रधानमंत्री, यानी अगर उन कंटिन्यूशन में उनको 10 वर्ष मिले होते और थोड़ा सा कम उम्र में, कम आयु में मिले होते, तो मुझे लगता है शायद भारत की का आज जो तस्वीर है वो शायद कुछ और होती। ये बड़ा मैं शिद्दत से कई बार महसूस करता हूँ, कई मौकों पर मैं कह चुका हूँ। आप इस पर क्या सोचते हैं सर? नहीं, मैं एकदम आपसे, अगर 2004 में दोबारा आ जाते तो जिस तरह से आर्थिक हम बदलाव ला रहे थे, जो कहते हैं इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, भारत की अर्थव्यवस्था में निजीकरण आ रहा था, निवेश तेजी से आ रही थी, निवेश का मतलब है लोगों को नौकरी, लोग समझते नहीं है कि निवेश क्यों आता है, आते से क्या फर्क पड़ता है। निवेश आने से लोगों को नौकरी मिलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी फैलती है। अगर मैं फैक्ट्री इसको सामान बना रहा हूँ, मैं अलग अलग सप्लायर से सामान खरीद रहा हूँ, मेरा सामान की जो रिक्वायरमेंट से वो बदल जाती है, वो आगे बढ़ती है, तो मेरे सप्लायर को भी अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। देश को बहुत फर्क पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फर्क पड़ता कि भारत का जो मैं कहूँगा चेहरा ही बदल जाता। उस समय नई सरकार आई, मैंने कहा खराब सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, अच्छे लोग भी थे उसमें भी, मगर कमी भी बहुत थी, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि जो अटल जी की सरकार की उससे हम बदल हट रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन पर वो ढीले पड़ गए, प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने रोक दिया, तो जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था वो रुक गया।
अच्छा उनको फर्क फायदा ये मिल गया कि दुनिया में विश्व में उस समय फिस्कल बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा था, तो बहुत तेजी से जो कहते हैं पीछे से टेल विंड कहते हैं हवाई जहाज की भाषा में, टेल विंड से भारत आगे बढ़ते गया, मगर जो बदलाव आ रहा था वो बदलाव रुक गया। अगर वो बदलाव आगे बढ़ता और टेल विंड साथ रहता तो वो 10 साल में भारत कहां से कहां पहुंच जाता। तो ये जो काउंटर फैक्टर इकोनॉमिक्स में कहते हैं ये हरदम रहेगा दिमाग में कि अगर 2004 के रिजल्ट्स निर्णय फर्क रहता और अटल जी 2-3 साल और प्रधानमंत्री रहते तो शायद भारत का नक्शा भारत का हुलिया थोड़ा फर्क होता, ये दिमाग में तो रहेगा ही, ये से हटना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है विदेश नीति के तौर पर, क्योंकि अटल जी जनता पार्टी की सरकार जब थी उस समय विदेश मंत्री भी रहे, और आज की पीढ़ी शायद ये बात इससे ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे लगता है अटल जी ने भारत की विदेश नीति में एक नई जान भी फूंकी और एक नई दिशा भी दी। अटल जी से पहले जो है भारत अमेरिका को इस तरह से देखता था और ऐसा लगता था भारत अमेरिका जो है वो एक अमेरिका का छूत देश है, ठीक है वो कह सकते हैं कि दुनिया यूनिपोलर जो है दुनिया अब है और बायपोलर नहीं है, ये सब सारी चीजें, लेकिन यूनिपोलर दुनिया में भी हमें अगर रूस को उसके साथ अपनी मित्रता को बढ़ाना था तो ये भी जरूरी है कि अमेरिका भी हमारा, आज हम देख रहे हैं अमेरिका हमारा मित्र है तो उसके हम परिणाम हम देख रहे हैं किस तरह से चीन को लेकर के अमेरिका ने खुलकर भारत के पक्ष में स्टैंड लिया, लेकिन यही अटल जी ने अगर अमेरिका के साथ संबंध मजबूत नहीं किए थे तो भारत की विदेश नीति में अमेरिका को एकदम अछूत की तरह देखा जाता था, ये देखा जाता था कि अगर अमेरिका के साथ दोस्ती करेंगे तो रूस नाराज हो जाएगा, बाकी दुनिया नाराज हो जाएगी। तो ये जो टर्न ओवर था विदेश नीति में अटल जी का, इसकी कितना बड़ा एक योगदान उनका मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो पहले से स्टार्ट करूंगा, जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी और अटल जी फॉरेन मिनिस्टर बने, अच्छा आम जनता को पब्लिक में और मुझे जो अटल जी के प्रशंसक था, पता नहीं था कि अटल जी का विदेश नीति पर इतना पकड़ है और इतनी रुचि है। जैसे मैंने कहा उनका पहला भाषण लोकसभा में विदेश नीति पर ही था, तो बने विदेश मंत्री तो उन्होंने 62 के बाद पहले मंत्री थे जो चीन गए, 65 युद्ध के बाद पहले मंत्री थे भारत सरकार विदेश मंत्री नहीं पहले मंत्री थे जो कि पाकिस्तान गए 65 के बाद युद्ध के बाद, और पहले मंत्री थे भारत के इतिहास में जो कि इजराइल के साथ उन्होंने हल्का से दरवाजा खोला, जनरल मोशे दयान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली आए चुपचाप अटल जी से मिले, कोशिश थी कि इसराइल के साथ हम खोले दरवाजा, और इसराइल का मतलब है अमरीका भी, ये लोग नहीं भूलते हैं, क्योंकि एक दुनिया के साथ आप एक के साथ केवल फंसना उस समय ठीक नहीं था, आपका दोनों से रिश्ता था। 98 आते आते यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, आपका परम मित्र सोवियत यूनियन चले गया था, बहुत बुरा हाल था, आज का रूस जैसा नहीं था, उस रूस का हाल बहुत बुरा था उस समय, और चीन धीरे धीरे उभर के आ रहा था, लग रहा था शांतिपूर्ण तरीके से उभर के आ रहा है, मगर चीन किसका पड़ोसी, अमरीका का पड़ोसी तो है नहीं, पड़ोसी तो हमारा है, चीन अनाधिकृत कब्जा में तो हमारे जमीन पर है, चीन पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर संबंध बहुत पुराने थे, तो यानी चीन के साथ हमें रिश्ता तो अच्छा करना था, पर दिमाग में याद रखना था कि चीन के साथ कभी न कभी टेंशन आएगा, और अगर आप अमेरिका के साथ रिश्ता अपना ना अच्छा बनाए, जबकि उस समय क्लिंटन बात कर रहे थे G2 की, जब हमारा भी पोखरण एक्सप्लोजन हुआ तो क्लिंटन ने चीन से बात की कि दक्षिण एशिया का मामला ये आप समझाइए सुलझाइए, क्योंकि आप दक्षिण एशिया के मालिक हैं, पाकिस्तान को आप मिलाइए, बने जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थे उसको बता रहे सुलझा, वैसे स्थिति में अमेरिका से बात करना, वार्तालाप में जाना, जसवंत सिंह स्ट्रोप टैलवर्ट, और आप इसे जिक्र ही कर रहे हैं तो मेरे पास जसवंत सिंह जी ये किताब है ए कॉल टू ऑनर, मुझे पता नहीं था सवाल पूछने वाले हैं, और स्ट्रोप टैलबर्ट की किताब है एंगेजिंग इंडिया, एकदम था कि अमेरिका की हम बात माने ना माने अमेरिका के जैसा हम होंगे नहीं कभी, मगर अमेरिका के साथ चलना है, संबंध बदलनी है, शीत युद्ध खत्म हो गया है, अब हमें साइड लेना नहीं है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका पाकिस्तान का जरूर अच्छा दोस्त है बट हमें अमेरिका को भगाना नहीं है, उनके साथ एंगेज करना है।
तो मेरे ख्याल से अगर उस समय वो कदम नहीं लेते, जैसे मैंने कहा नरसिम्हा राव जी के समय अमेरिका क्वेश्चन तक कर दिया था कि आप कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे है, इंस्ट्रूक्शन गलत है, रॉबिन रफाल इतना तक कह गई थी कि वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब इससे बड़ा आपके चेहरा पर थप्पड़ कौन मार सकता है, उसके बावजूद भी कि नहीं इसमें जोखिम का मामला नहीं है, ये तो आवश्यकता है, अनिवार्यता है, आपको बात करनी चाहिए मेरे, और मेरे ख्याल से उससे बहुत फर्क पड़ा, और इसलिए अटल जी लोग और उनके मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी वालों को, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के साथ काम करना शुरू कर दिया था, इतना तक कि कारगिल युद्ध के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो समय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे वो एक महीना अमेरिका रहे, भारतीय समुदाय से सब जगह मिले, और अमेरिकन कांग्रेसमैन मैकडर्मट थे हाउस कमेटी ऑफ साउथ एशिया के जो सब कमेटी के चेयरमैन थे, उन पर दबाव डाल के हाउस का रेजोल्यूशन बदला कि जब तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से भी पैसा नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी का सबसे पहले सबसे प्रमुख उसके प्लेयर अटल जी थे, बाकी लोग थे, तो उसके थ्रू अमेरिका को अप्रोच करना, इकोनॉमिकली अप्रोच करना कि हम उदारता लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे, इंडियन डायस्पोरा के थ्रू दबाव डालना और न्यूक्लियर फील्ड में बात करना, मेरे ख्याल से ये सबसे एक अमेरिका के माइंड में भी भारत के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया, और आज जो अमेरिका इतने अच्छा भाषा आपकी तरफ बोल रहा है, आपके साथ बोल रहा है, ये 20-25 साल पर, और इसमें हर सरकार ने काम किया, ये मानना पड़ेगा। अटल जी के समय नरसिम्हा राव हल्का से शुरू हुआ था, असफल था, अटल जी के समय से सफलता शुरू हुई है और निरंतर आगे बढ़ते रहे, और सभी भारत सरकार, इसलिए इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं है, जरूर अटल जी ने शुरू किया, मोदी जी आगे ले चल रहे, बट मनमोहन सिंह सरकार ने भी, मनमोहन सिंह तो बहुत बड़ा जोखिम न्यूक्लियर वाला लाके अग्रीमेंट लाना, तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि तीनों सरकारों ने इस पर काम किया है। काम किया। थोड़ा सा एक उनके जो संबंध थे मैं चाहूंगा उसके बारे में भी, क्योंकि अटल जी के संबंध नेहरू जी से, तो नेहरू जी ने अटल जी के लिए क्या कहा था हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ये युवा नेता बहुत आगे जाएगा, जब पहली बार नेहरू जी ने सुना था। लेकिन नेहरू जी के अलावा मैं जानना चाहूंगा कि इंदिरा जी से उनके जो रिश्ते थे उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि इंदिरा जी थी जिन्होंने उनको आपातकाल में जेल में डाल दिया था, और ये भी सच है कि इंदिरा जी अटल जी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद भी करती थी, उनको लगता था कि ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और शायद कांग्रेस को अक्सर ये लगता था, कांग्रेसी तो खुलकर कहते भी थे कि अगर अटल जी कांग्रेस में होते तो वो, उनको लगता है कि अटल जी हमारी पार्टी में, ऐसे नेता कि हमारी पार्टी में होते तो अलग बात, इसलिए वो बार बार कांग्रेस के लोग बोल देते हैं कि वो गलत पार्टी में, सही व्यक्ति है पर गलत पार्टी में, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी उनको कहते हैं, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी जी। इंदिरा गांधी के साथ संबंध बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उन्होंने खुद अपने निबंध में अच्छा लंबा लिखा है, एक तो वो इंदिरा गांधी के प्रशंसक थे जब उन्होंने बांग्लादेश पर जिस निर्णायक तरीके से देश का नेतृत्व किया उसको प्रशंसक थे, पर गलत कहा गया है कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया, बोले मैंने कभी नहीं बुलाया है, बोले पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए कहां मैंने बुलाया है, बट एक बात फैल जाती है ना तो फेक न्यूज, आज की बात है, फेक न्यूज पहले भी होता था। मगर उनको साथ ये भी संकोच था इंदिरा गांधी के बारे में कि वो पूरी बात शेयर नहीं करती है, वो टीम प्लेयर नहीं है। इंदिरा गांधी उनको कंसल्ट करते थे, शिमला के समय बहुत अच्छा फोटोग्राफर, बारिश में छाता में दोनों चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनको था कि जिस तरह, और नेहरू जी के निधन पर अटल जी ने जो राज्यसभा में भाषण दिया है एकदम प्रशंसक का भाषण है, एकदम प्रशंसक का भाषण है, धूम तारा अब तो चला गया है, उस तरह से कह रहे अटल जी। तो पार्लियामेंट में काफी, पार्लियामेंट चर्चा में काफी वो आलोचक थे नेहरू के फॉरेन पॉलिसी पर, फिर भी वो मानते थे कि हाँ नेहरू जी का एक पर्टिकुलर स्थान है भारत में, उनकी विचार थे। इंदिरा गांधी के साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे मैंने कहा वो कई बात उनकी मानते भी थे, बट ये भी कहते थे कि अपने कच्चे कान की है, थोड़ा कंस्पिरेसी वाले विश्वास करती है, शी इज नॉट ओपन टू आइडियाज, जल्दी लोग से पूरी बात बताती नहीं है, तो थोड़ा उनको संकोच था इंदिरा गांधी के बारे में, जो नेहरू जी के बारे में नहीं था, तो एक थोड़ा सा पहले, बट अदरवाइज आप देखेंगे पर्सनल लेवल पर सब जगह अच्छे था, वही लोग जो कि अखबार में गाली देते थे, फैसिस्ट पे बुलाते थे, उनको मुखौटा भी बुलाते थे कि आप तो केवल मुखौटा हैं, या
जैसे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, रॉन्ग मैन द राइट पार्टी, उन्होंने दिसंबर बाबरी मस्जिद के 10-12 दिन बाद पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था अटल जी ने, 18 या 19 दिसंबर की बात है 92 की, तो समझाया था कि हमारी पार्टी क्या और मैं क्या हूँ, और कहा कि आप ये सब मत सुनाइए हमें कि रॉन्ग मैन इन द राइट पार्टी, ये आप कहते हैं कि ये पेड़ बड़ा गंदा है मगर इसके फल तो बड़े मीठे, बोले ये कैसे हो सकता है, तो बड़ा अच्छा समझाया था कि आई एम नॉट रॉन्ग मैन इन राइट पार्टी, राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी एंड द राइट मैन इन द राइट पार्टी, बार बार और हर बार लिखते हैं, हर बार बोलते भी रहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो बट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर देखेंगे अच्छा था सबका साथ बाय एंड लार्ज। और जब तक प्रधानमंत्री रहे अटल जी, तब तक संघ के साथ, जिस संघ को वो मानते थे कि उस संघ ने उनको संस्कार दिया, उस संघ ने उनको बहुत कुछ दिया, और संघ के एक बहुत बहुत कह सकते हैं कि डेडिकेटेड स्वयंसेवक थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुए तो संघ के साथ उनके संबंधों को लेकर आए दिन खबरें आती थी कि भाई संघ के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, ये वो ये सब चीजें जो होती थी, ये सब क्या थी? नहीं देखिए, कोई दो संघ के वो थे और बहुत खुशी थे, अमेरिका में भी कहा कुछ उन्होंने कहा गया कि इसके बारे में क्या तो कहे, उन्होंने कहा बड़ा अच्छे से, वही हास्य के मूड में कहे कि मैं हूं स्वयं सेवक, राष्ट्र आरएसएस ने कहा स्वयं सेवक, अमेरिका में भी उन्होंने कहा है। तो वो और अब जहां देखे वो हरदम कहे उसके बारे में कि जो उनका प्रेरणा स्रोत है संघ, संघ से वो बहुत सीखे हैं और बहुत कुछ संघ से उन्हें मिला है, मगर हर चीज में कोई दो व्यक्ति में या एक बार संगठन है एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल विपक्ष में है, राजनीतिक दल अब सत्ता में है, तो थोड़ा दृष्टिकोण तो बदलेगा ही, तो अगर डिफरेंसेस नहीं रहे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, डिफरेंसेस कुछ बातें रही कुछ बातें नहीं रही, संघ के बिना बीजेपी का जो कहा जाए जिससे फैली है बीजेपी जिससे चुनाव जीती है, तो इसलिए ऐसी तो संघ के वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, बट हाँ हर बात में हर चीज पर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मानेंगे, और दो व्यक्ति ऐसे जो कि एक दूसरे में इतने जुड़े हुए हैं अगर वो फ्रेंकली आपस में ना बात करें और मतभेद को छिपाएं तो वो भी सही नहीं था, और बहुत बात एक मैं नहीं जानता हूँ किस बात पर संघ भावी हुआ किस बात पर वो भावी, वो कहना बहुत मुश्किल है कि रूम के अंदर क्या बात हो रहा है किसी को पता नहीं है, अब बाद में लोग जो हाँ ऐसी बात हुई पता नहीं आप तो थे नहीं अंदर आप कैसे बता रहे हैं क्या बात हुई अंदर, बट अगर मतभेद हुई जरूर ही होगी और अखबार में आते ही रहता था उस समय, आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें स्वाभाविक है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। क्या कह सकते हैं अटल जी दोस्तों के दोस्त थे, आडवाणी जी के साथ उनकी दोस्ती, कुछ लोग उसको राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहते थे राजनीति में कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और मैं फिर से अपना थोड़ा सा एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं जिस जब मुंबई में जो सभा थी जिसमें आडवाणी जी ने अटल जी के नाम का ऐलान किया था, मैं वहाँ पत्रकार दीर्घा में मैं बैठा हुआ था, और क्योंकि उस वक्त आडवाणी जी ने जिस तरह से रामरथ यात्रा चलाई थी, पूरा आंदोलन अयोध्या आंदोलन चलाया था, सब लोग ये मान के चलते थे कि आडवाणी जी जो है वह बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट होंगे, लेकिन जब आडवाणी जी ने भरी सभा में ये कहा कि बीजेपी केंद्र में आएगी और अटल जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, उस वक्त पत्रकार जो मेरे आसपास बैठे थे वो बड़े हैरान भौचक थे कि आडवाणी जी ने ये क्या कह दिया, लेकिन आडवाणी जी ने जो कुछ कहा था बहुत सोच समझ के कहा था, शायद असल में राम लक्ष्मण की जोड़ी राजनीति की है। एकदम सही, सबको आश्चर्य से हुए थे, कई लोग को बहुत तीव्र प्रतिक्रिया भी जाहिर की है, बट मेरे ख्याल से सोच आडवाणी जी की सही थी कि जन्मभूमि के आधार पर रथ यात्रा पार्टी अब यहाँ तक पहुंच गई है, अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो पार्टी को दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, और दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए आपको ऐसा नेता चाहिए जो कि अपनी पार्टी के समर्थन के अलावा उसके बाहर के भी लोगों को समर्थन दे सकता है, तो अगर बीजेपी को 20% मतदाता का समर्थन है तो ऐसा नेता चाहिए जो उसको 20-25 तक ले पाए, तो वो सोच थी और मेरे ख्याल से सही सोच थी, और फर्क पड़ा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लाइफ में या कोई विचारधारा के अगर देखिएगा लाइफ में बढ़ना उतरना बहुत ही है ना, अब कब अंत होता है किसी का किसको पता नहीं, मगर ममता जयललिता इन लोगों को लेकर साथ चले, वो उन्होंने सरकार चलाई, ये भी अपने आप में बड़ी भाई 96 चुनाव जब हुआ था, आप बात करें दिसंबर 95 की, जब आडवाणी जी ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ये रहे,
96 चुनाव में बीजेपी के पास दो एलायंस थे, महाराष्ट्र में शिवसेना जो पहले से था, और बिहार में लालू जी के चलते समता पार्टी, उसे समता पार्टी कहलाती थी नीतीश कुमार की, दो बस। अकाली के साथ भी नहीं था, अकाली के साथ भी उनका अलायंस 96 चुनाव के बाद बना है, फिर बंसीलाल आए, ममता आए, जयललिता। तो कहने का मतलब है नवीन पटनायक जो कि नई पार्टी बनाए जनता दल को तोड़ के, बीजू जनता दल, तो इसीलिए आपको उस समय ऐसे नेता की आवश्यकता थी जिससे एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो और देयरफॉर उनके साथ लोग जुड़ पाए, क्योंकि विचारधारा को अब समन्वय लाने के लिए या कोलिशन बनाने के लिए विचारधारा के कुछ अंश को तो छोड़ना पड़ेगा, तब किस आधार पर छोड़ेंगे, बोल पाएंगे नहीं इनके साथ हम छोड़ रहे हैं बाद में देख लेंगे, तो या उनको हम थोड़ा कंट्रोल नियंत्रण में ला देंगे, देखिए हमारे चलते अब बीजेपी ये बात नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो नेता की आवश्यकता थी उसके लिए अटल जी एकदम सही नेता थे, और मैं कह रहा अडवाणी जी का वो निर्णय एकदम सही निर्णय था। शक्ति जी समय एक घंटा करीब हो रहा है, लेकिन जल्दी से मैं आज के संदर्भों में कुछ चीजें, एक तो सबसे बड़ी बात जिनके लिए बार बार याद किया जाता है अटल जी को, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो उनके जहन में क्यों उनको लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आज हम देख रहे हैं, आज सरकार का पूरा फोकस सड़कों पर है, कनेक्टिविटी पर है, वो कनेक्टिविटी की जरूरत आज भारत को लग रहा है, और अटल जी ने ये चीज बहुत पहले ही देख लिया। दो बात है, एक तो उन्हें इकोनॉमिक्स तो नहीं कहे इकोनॉमिस्ट, बट एक बड़ा बेसिक फंडामेंटल मूल रूप से अर्थव्यवस्था का समझ थी कि निवेश तभी आता है जब उसका बदलिए वातावरण ठीक हो, वातावरण में कानून होती है, वातावरण में अच्छी बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, मजदूर वर्ग हो, ट्रेंड मजदूर वर्ग हो। तो वो था कि भारत में अगर अच्छी सड़क, अमेरिका जाते रहते थे, अमेरिका में उन्होंने इंटरस्टेट हाईवे दिखाई था कि सड़क से अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ती है, एक, और दूसरा ये आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से अब भारत को एक बना रहे हैं। तो इमोशनली भी आप देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का बहुत माने रखता है, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली, इकोनॉमिकली आप देश की प्रगति करा रहे, इमोशनली आप देश को एकजुट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों के, अब वो तो नहीं बता पाएंगे कि इतना जीडीपी का ग्रोथ के लिए आपको इतना ये चाहिए, वो उनका काम नहीं था जानना, बट एक बहुत बहुत क्लियर तरीके से सोच बुझ के साथ कि हाँ अगर अच्छी सड़क बने भारत में, भारत का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी उनके जीवन में बेहतरीन होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, बहुत इसे वहां से लेके आत्मविश्वास आत्मनिर्भर को कैसे देखें आप, तो शिखा जी यही मेरा पॉइंट है कि आत्मविश्वास अगर है तो आप आगे कदम लेंगे, जोखिम भी लेंगे, रिस्क भी लेंगे, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप देखेंगे हमें क्या क्या कमियां हैं, क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, कि कोई नहीं कहेगा कोई देश ऐसा स्टेज पे पहुंच गया सब कुछ है उसके पास, हम तो अभी बहुत गरीब देश है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है हमारा, अभी भी बहुत आगे बढ़ना है। तो किस तरीके से सरकारें उस समय और इस समय, जैसे मैंने कहा सिचुएशन अलग है, उस समय भारत बहुत ही गरीब देश था, अब माना जाता है कि विकासशील देश में आगे है, विकसित तो नहीं है बट विकासशील में आगे बढ़ गया है, उस समय हम अंडर डेवलप्ड कहलाते थे, बहुत फर्क पड़ गया है। अब हमें जो स्ट्रेटजीज अपनानी है, जो नीतियां अपनानी है, वो बदल गई है क्योंकि सिचुएशन बदल गया है, बट मेरे ख्याल से रोड्स, मूल ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भारत में आवश्यकता है आर्थिक विकास के लिए, अटल जी के समझ में था, उनके जहन में था, और ये आइडिया उन्हीं का था, ये किसी से सीखे नहीं थे वो। आपको लगता है क्योंकि अब अटल जी ने ज्यादा समय तो विपक्ष में बिताया, सरकार में तो उनका समय कम रहा एक राजनेता के तौर पर, आपको लगता है कि आज का विपक्ष और भविष्य में जो भी विपक्ष होगा उसको दरअसल अटल जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष में रहकर राजनीति करना भी अपने आप में देश के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो शायद अटल जी से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता। एकदम, मैं एक पढ़ना चाहता आपके लिए कुछ, आपके लिए, बाकी लोग के लिए। अटल जी लिख रहे हैं अगेन 97 में, आज की राजनीतिक विवेक नहीं वाक्य चतुर्य चाहती है, संयम नहीं श्रेय नहीं प्रेयर के पीछे पागल है, मतभेद का समाधान करना तो अलग रहा, उसको सहन करने की वृत्ति भी विलुप्त हो रही है, आदर्शवाद का स्थान अवसरवाद दे रहा है,
बाएं दाएं की बात नहीं है, वो कहते हैं व्यक्तिगत अधिक है, इसे विचारों का लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत अलग है, सब अपनी अपनी गोटी लाल करने में लगे हैं, उत्तराधिकार की शतरंज पर मोहरे बैठाने की चिंता में लीन है। ये वो कह रहे हैं 97 में। तो कहने का मतलब है भारत में जो राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें लोग कह रहे हैं पहले बड़ा अच्छा था, नहीं मैं दिखा रहा हूँ 97 की बात, वो 97 में कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, क्या हमारे डेमोक्रेटिक अच्छे काम कर रही है। अब कहने का मतलब है कि राजनीतिक में ये चैलेंज, ये दबाव हदम रहता है, एक पब्लिक का दबाव रहता है, एक अवसरवाद का दबाव रहता है, कोई सोच रहा है लॉन्ग टर्म, कोई क्षणिक सोच रहा है। अब क्षणिक को स्थायी समझना गलती है, बट राजनेता क्या करे, राजनेता भी तो फंसा रहता है ना। तो कहने का मतलब ये चुनौती हरदम रही हमारे पास, और आप विपक्ष में रहे, जो अटल जी ज्यादा दिन रहे विपक्ष में रहे, कम दिन सरकार में, सरकार तो बहुत ही कम दिन रहे, 6 साल और 2.5 साल, 8.5 साल, तो उसके बावजूद मेरे ख्याल से, या उसके बावजूद या उसके चलते विपक्ष में बैठ कर उन्हें ज्यादा मौका मिला समझने के लिए कि किस तरीके से देश को मजबूत बनाना है और कहां बाएं दाएं छोड़ करके आदर्शों के आधार पर, या कम से कम एक एक दृष्टि के आधार पर हमें करना क्या, हम क्या चाह रहे हैं भारत से, तो वो बहुत ही वो चीज सीखने लायक है, क्योंकि प्रासिकता हर चीज की नहीं रहेगी, फैक्ट्स बदलते रहेंगे, बट आपका प्रिंसिपल जो है, आपके जो नियम है जिसके आधार पर आप सोच रहे हैं, वो उसको दृढ़ रखिए। मेरी तरफ से ये एक आखिरी सवाल है, और उसके बाद मैं ध्रुव जी से कहूंगा कि वो भी अगर कुछ लोगों के और सवाल लेने, और साथ साथ शक्ति सर आपसे मैं कहूंगा, आपने जैसे एक उनका हिस्सा पढ़ा उनकी उनकी एक लेख का, अगर आप कुछ और उनकी कविता या कोई चीज अगर आपको जो बहुत नजदीक हो अगर आपको हम सबसे शेयर करना चाहें तो हम वो सुनेंगे, लेकिन मेरे सवाल के जवाब के बाद, सवाल मेरा आज के संदर्भ में ये है, मोदी जी और अटल जी इनके रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? बहुत कुछ इसके बारे में कहा गया था गुजरात में जब दंगे हुए थे उसके बाद कि अटल जी ने चाहते थे कि मोदी जी नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे अयोध्या को लेकर उनकी बहुत सारी गलत फहमियां जो है उनके जब भाषण निकलते हैं तो दूर होती है, वैसे ही एक वीडियो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि अटल जी उसमें खड़े हैं और मोदी जी दौड़ कर आते हैं और दोनों ऐसे गले मिल जाते हैं खुशी से जैसे पिता पुत्र मिल रहे हों, और आज मोदी जी अपने प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत जो जिनको मानते हैं वो अटल जी को ही मानते हैं, तो कैसे इन दोनों के रिश्तों को आप देखते हैं आज के संदर्भ में, ये हम जानना चाहते हैं। आपने सही कहा, 2001 2002 में काफी बात हुई थी कि अटल जी चाह रहे हैं मोदी जी को गुजरात सीएम से हटाने की बात, और ये वो राजधर्म की बात सब हुई थी, बट अगर आप, और जैसे मैंने कहा दो व्यक्ति में हरदम एक ही बात एक तो सोच रह सकती है, कभी कभी मानना चाहिए हमें, इसमें कोई खास बात नहीं है, अच्छी बात है इनफैक्ट, मगर आप देखेंगे जिस तरीके से सरकार की का दृष्टिकोण है, सरकार जो करना चाह रही है, अगर उसको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे एक लार्जर कंटिन्यूटी है, हाँ एम्फोसिस अलग होगा, समय अलग है, मोदी जी दूसरे पीढ़ी के हैं, अटल जी का पीढ़ी दूसरा था, अटल जी भारत को गुलाम देख चुके थे, भारत की गरीबी देख चुके थे उस समय की, मोदी जी भारत को भरता हुआ देख रहे हैं, देखते आए हैं, तो एक दृष्टिकोण में फर्क जरूर होगा, दोनों का अनुभव अलग अलग थे, अटल जी सीधे राजनेता बने, कहने का मतलब है जो पॉलिटिक्स में आए, संघ ने उन्हें जो भेजा कि आप श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जाइए, कुछ साल बाद वो चुनाव लड़े और 57 में 6-7 साल के अंदर वो पार्लियामेंट में आ गए, तो अटल जी शुरू से संसद में रहे हैं, राजनेता रहे राष्ट्र स्तर के, मोदी जी का रास्ता एकदम फर्क था, ज्यादा दिनों स्वयं सेवक रहे, फिर पार्टी में भेजे गए, गुजरात में रहे, गुजरात से उन्हें हिमाचल भेजा गया जहां उन्होंने पार्टी बनाई, फिर गुजरात वापस गए जहां मुख्यमंत्री बने, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, 14 साल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उससे फर्क पड़ जाता है, कार्य करने के तरीके में फर्क पड़ जाता है, आइडियाज बदला हो जाता है, इसे हर चीज देखना कटर जैसे कि मोदी जैसे करने में कहते वो सही नहीं होगा, कि तो का समय बदल गया है, अनुभव अलग है, चुनौतियां अलग है, चुनौतियां अलग है, बट हाँ जैसे गुड गवर्नेंस देख के आप बात मान रहे हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मान रहे हैं, जिस तरह अमेरिका की बात करें, जिस तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें,
आप देखेंगे लार्जर पिक्चर वही है। दूसरी बात यह भी है, अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा है 96 में जब उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने वाले थे, छोटी सरकार थी जो 13 दिन की मगर 13 दिन में इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा हमें बोला जा रहा है कि आपने 370 छोड़ दिया, आपको बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दिया, आपको बोला राम मंदिर छोड़ दिया, तो क्या भाई हमारे पास नंबर कहाँ है? उन्होंने कहा देखिए हमने छोड़ा नहीं, अलग हटाया है, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है, अगर बहुत संख्या होती तो कुछ और होता। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने छिपाया। अब लोग वो याद नहीं करना चाहते, वो कहना चाहते हैं मोदी जी कंपेयर करने के लिए, देखा अटल जी तो वैसे थे, वही भाषा आपने अटल जी के बारे में यूज किया था जो आज इस्तेमाल हो रहा है। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास मैंने उस समय का अखबार मैगजीन रखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ। तो हाँ, मगर दोनों फर्क व्यक्ति थे, दोनों अलग व्यक्ति थे, इसलिए हर चीज एक जैसा नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा अलग समझना चाहिए। मैं एक छोटा सा कविता का खाली, एक बड़ा अच्छा उनका कविता है, बहुत प्रसिद्ध है, मौत से ठन गई। उनका कैंसर हुआ था, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा शायद हो गया, दोबारा चेक हुआ था, अमेरिका में चेक कराए, दोबारा लिखा, और फिर उन्होंने धर्मवीर भारती जी को भेजा जिन्होंने धर्मयुग में छाप दिया, और धर्मयुग में छापा काला बॉर्डर के साथ। तो बहुत हुआ पार्लियामेंट में, लोगों ने आलोचना की इनफॉर्मली, दोस्तों ने बोला आप क्या कर रहे हैं ये वो, तो बोले भाई मौत का मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मौत से मौत आएगी तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, और मगर मौत अगर बिल्ली चूहा जैसा अकेले तो हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं हम, मगर इसे मौत से डरने की क्या बात है। तो और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि मैं क्या, उन कविता बड़ा फेमस जो तीन लाइन जो है, रार नहीं मानूंगा हार, हार नहीं मानूंगा समय के है ना, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। तो बोले भाई हम तो आशावादी हैं, हम कहाँ डर रहे हैं। और उन्होंने कहा लिखता ये बड़ा अच्छा लाइन लिखते हैं कि मुझे एक चीज में समझ गया, आप उसे लिखकर तो मुझे मर जाना चाहिए था, या मरने के बाद उसका प्रकाशन करना चाहिए था, अगली बार मैं इसका ध्यान दूंगा। वैसे कभी स्थिति में भी वो हंस रहे हैं कि यार अगली बार मैं ध्यान दूंगा, अगली बार ठीक है ना। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लगा शक्ति जी। अभी मुझे लगता है कि मैं रोहित जी को आगे करता हूँ, लेकिन हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि काफी आपसे बात करते करते बिल्कुल समय का अंदाजा भी नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें, नई चीजें हमेशा सीखने को मिलती हैं। तो रोहित जी आप आगे का संचालन आप संभालें। सर मैं बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ दोनों से ही, कि कुछ कुछ जो अनुभव आपके व्यक्तिगत तौर पर और रहा हो अटल जी के साथ, अशोक सर और सत्य सर आप दोनों का ही, आप दोनों ने काफी करीब से देखा है, तो दर्शक काफी होता है इच्छुक, काफी कमेंट आ रहे हैं, मैं उन्हें दिखा नहीं पा रहा हूं, तो कुछ व्यक्तिगत अनुभव एक दो और आप शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा है, एक लाइटर मोड में है तो लाइटर मोड की बात करें। एक बार अमेरिका गए हुए थे, दांत में दर्द हो गया, तो बोले तो चले गए डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट अब अमेरिकन डेंटिस्ट है, इंश्योरेंस का है, मैल प्रैक्टिस का कल केस हो सकता है, तो वो तो रजिस्टर खोल के 50 सवाल जवाब शुरू किया, तो हंस के समझा रहे थे कि वहाँ वो डॉक्टर मेरे दांत का इतिहास ले रहा था, वो हमारा चेहरा का भूगोल बदल रहा था। तो बढ़िया समझा कि किस तरीके से वो दर्द में लीन थे कि चेहरा फूलते जा रहा है और डॉक्टर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, यानी अपने आप पर भी हंसने का, अपने आप पर भी हंसने की क्षमता रखना बहुत अच्छी चीज है। सब लोग में नहीं है, सब लोग अपने आप पर हंस नहीं सकते हैं, या कहना यार मैं तो भूल जाता हूँ, है ना। तो नहीं बहुत ऐसे है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा अशोक जी ने। नहीं सर, सर मुझे 80 का एक, 80 में मैं बहुत छोटा था, 1980 में जब चुनाव हो रहे थे, नई दिल्ली सीट से अटल जी लड़े थे, उस समय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बिल्कुल गिर गई थी, और कैसे गिरी थी वो एक अलग इतिहास है। उस समय 80 के चुनाव में अटल जी, हम लोग लक्ष्मीबाई नगर में रहते थे, और अटल जी क्योंकि उनका क्षेत्र था, तो एक बार अटल जी हमारे घर में, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग हमारे घर में आए, मैं तो बहुत छोटा था मुझे याद है, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है
उनका जब परिचय हो रहा था हम बच्चों का, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब सब बच्चों का परिचय हो रहा था, अच्छा कौन क्या है, तो जैसे ही मेरी सिस्टर का, मेरी बड़ी बहन का परिचय हुआ, तो मेरी बड़ी बहन का नाम जो है इंदिरा है। तो जब उन्होंने पूछा तो अटल जी ने कहा अच्छा क्या नाम है, तो मेरी बहन ने कहा इंदिरा। तो अटल जी ने इंदिरा. कहा अरे भाई इंदिरा दूर रहो, मैं इंदिरा से बहुत डरता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने जो मतलब कैसे हंसी मजाक, तो उनका बिल्कुल जिस तरह से वो करते थे, वो तो मतलब आज के राजनेताओं में वो चीज दिखती ही नहीं, और वो कमी महसूस होती है आज की, भाई आज के दौर की राजनीति में कम से कम थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाए एक दूसरे से, हम एकदम. इंसानियत हाँ के नाते। हाँ वो हाँ पक्ष जो है, हाँ वो पक्ष आजकल बहुत खलता है। वो अच्छा नहीं लगता. इंसानियत के बिल्कुल। नाते इतना तो ना, हंसी मजाक करना, प्रेम रखना, हम विवाद करेंगे, बट विवाद का मतलब थोड़ी नहीं कि बिल्कुल दूसरे प्रेम ना करें. बिल्कुल 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 जी बहुत रोहित सुंदर सर, जी। आप बहुत सुंदर, आप लोगों ने आखिर में जो बात कही कि आज की राजनीति में कहीं ना कहीं वो भाव जो एक दूसरे के प्रति मानवता का होता है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। कुछ लोग ही बचे हैं, उसमें से भी कुछ लोग अब 2020 में हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले हम लोगों ने देखा है सब लोग हमारे बीच से जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बड़ा दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने बहुत बेशकीमती समय हम लोगों को दिया। सत्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं काशी फाउंडेशन की तरफ से कि आपने नहीं नहीं धन्यवाद, आपने मौका दिया और अशोक सर मनोज जी के आपने साथ भी चर्चा करने का मौका मिला. अशोक मनोज सर ने भी काफी जी समय वैसे हमको दिया। भूल गए, मनोज जी हमको जरा भूल नहीं गए हैं सर आजकल. नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। अशोक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। सबको शुक्रिया। ऑल बहुत द बहुत बिजनेस. थैंक यू.